हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी, आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था, अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं।